हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा है क्या इस तरीके की वीडियोस इंस्टाग्राम पर काफी ट्रेंडिंग में चल रही है। तो इस तरीके की रील्स आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको दो एप्लीकेशन को यूज करके आप इजिली इस तरीके की रील्स क्रिएट कर सकते हैं। और ऐसी अच्छी अच्छी एटीट्यूड शायरी आपको कहाँ मिलेगी और कैसे एडिट करना है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको रोजाना मिलती रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मोबाइल होम स्क्रीन पर आने के बाद आप देख सकते हैं इस दो एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो पहली है पिक्सल लैब एप्लीकेशन और दूसरी है लाइट मोशन। तो पिक्सल लैब एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी और लाइट मोशन मोड वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ पर जाना है और ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको लाइट मोशन का बिना वाटरमार्क वाला मोड वर्जन आपको मिल जाएगा, तो वो आपको डाउनलोड कर लेना है। तो सबसे पहले आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको इस टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए यहाँ पर आपको टेक्स्ट को यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ओके कर देना है। तो जैसे ही करोगे तो यहाँ पर आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक कर देना है और टेक्स्ट न्यू ले लेना है। न्यू टेक्स्ट लेने के बाद आपको यहाँ पर डबल टैप करना है। डबल टैप करोगे तो यहाँ पर आपको शायरी लिखनी है। तो अब आप शायरी कहाँ से लाओगे, तो शायरी लाने के लिए आपको एटीट्यूड शायरी कहाँ से मिलेगी, उसके लिए आपको क्या करना है, बैक चले जाना है। बैक चले जाने के बाद यहाँ पर आपको अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है एटीट्यूड शायरी हिंदी। तो जैसा ही सर्च करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं बेस्ट 100 प्लस एटीट्यूड शायरी इन हिंदी। यहाँ पर इस वेबसाइट पर आपको पहले क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे जैसे ही स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर काफ़ी सारी यहाँ पर एटीट्यूड शायरी मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ से कोई भी शायरी आपको कॉपी कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने पहले से कॉपी करके रखी है, तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सेट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से आपको सेट कर देना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर भी आपको इस तरीके से कुछ सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट में जाना है। फ़ॉन्ट में जाने के बाद यहाँ पर आपको माई फ़ॉन्ट में जाना है। अगर आपको भी फ़ॉन्ट पिक्सल लैब एप्लीकेशन में ऐड करना नहीं आता तो मैं आई बटन में लिंक दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आपको उस वीडियो को देख लेना है कैसे डाउनलोड करना है कैसे ऐड करना है, पूरी डिटेल में बताया है। तो उस वीडियो को आपको बाद में देख लेना है। तो अभी आपको क्या करना है, तो यहाँ पर मैं आप भी पॉपिंस बोल्ड फॉन्ट को यहाँ पर ले लेता हूँ, तो ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर सेट कर देना है। सेट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर देख सकते हैं कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर आपको पहले ब्लैक कर देना है। पूरा ब्लैक करने के बाद यहाँ पर कुछ वर्ड्स को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पहले येलो कर देता हूँ और नीचे कोई दूसरा वर्ड सिलेक्ट करके यहाँ पर, और यहाँ पर रेड करने के बाद यहाँ पर डन कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर शैडो वाले ऑप्शन में जाना है। शैडो वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा। ब्लर रेडियस यहाँ पर आपको 50 कर देना है। 50 करने के बाद डन कर देना है। जैसे डन करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 3D शैडो यहाँ पर भी इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पर इस तरीके का यहाँ पर 60 कर देना है, 60 या तो 50 कर देना है, आपको आपके हिसाब से कर देना है। तो यहाँ पर मैं 60 कर देता हूँ और डन कर देता हूँ। डन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर न्यू टेक्स्ट ले लेना है। तो यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना है और न्यू टेक्स्ट ले लेना है। न्यू टेक्स्ट लेने के बाद यहाँ पर आपको इमोजीज ले लेना है। तो यहाँ पर मैं इमोजी ले लेता हूँ। इमोजी लेने के बाद कुछ अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सेट कर देना है। आप जितना बड़ा रखना चाहते हैं उतना बड़ा यहाँ पर सेट कर देना। सेट करने के बाद आपको उसी फ़ॉन्ट को आपको फिर से ले लेना है जो यूज़ किया है, या तो कोई दूसरा भी आप ले सकते हैं। तो मैं उसी फ़ॉन्ट को यहाँ पर लेकर यहाँ पर ओके कर देता हूँ और फिर से यहाँ पर आपको शैडो इनेबल कर देना है। यहाँ पर इनेबल करने के बाद यहाँ पर 50 कर देना है। 50 करने के बाद इसे फिर से यहाँ पर 3D शैडो को यहाँ से फिर से यहाँ पर 60 रख देता हूँ मैं। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद इसको क्या करना है,
यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद डबल टैप करना है और यहाँ पर आपका इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी फटाफट से लिख देता हूँ। अब आपको क्या करना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको आप जितना बड़ा यहाँ पर साइज रखना चाहते हैं उतना बड़ा रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट कर देता हूँ। सेट करने के बाद यहाँ पर आपको कलर में जाना है। कलर में जाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ब्लैक कर देना है। ब्लैक करने के बाद यहाँ पर आपको लास्ट में जाना है, रिफ्लेक्शन वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर जाने के बाद इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर सेट करना है। तो यहाँ पर 10 कर देता हूँ। 10 करने के बाद यहाँ पर डन कर देता है। डन करने के बाद आपको क्या करना है, इस वाले यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ट्रांसपेरेंट वाले ऑप्शन में जाना है और ये PNG में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको ऊपर शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर डिफॉल्ट की जगह यहाँ पर अल्ट्रा सिलेक्ट कर लेना है और सेव टू गैलरी। जैसे ही सेव टू गैलरी करोगे तो आपका PNG यहाँ पर सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आपको क्या करना है, अब दूसरी एप्लीकेशन ओपन करनी है। तो यहाँ पर आपको लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको प्लस पर क्लिक करना है। प्लस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 90-60 रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड लाइट ग्रे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर मीडिया में आ जाना है। मीडिया में आने के बाद अपने जो PNG अपने जो पिक्सल एप्लीकेशन में जो एडिट किया वो यहाँ पर ले लेना है। लेने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, मैंने जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको मैं XML फाइल को डाउनलोड कर लेना है। फाइल को डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, अपने फाइल में जाना है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। फाइल में जाने के बाद तो उस XML फाइल को आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको शेयर करना है। शेयर करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लाइट मोशन में क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे तो वो लाइट मोशन एप्लीकेशन में आ जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है, बैक चले जाना है। बैक चले जाने के बाद आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। प्रोजेक्ट में जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर वो आ जाएगा, तो मेरे नाम से यहाँ पर आ जाएगा और उस पर टैप करना है। तो टैप करोगे तो यहाँ पर फिर से उस पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के लिए आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है और कॉपी इफेक्ट, और इफेक्ट आपका कॉपी हो जाएगा। इफेक्ट चले जाने के बाद आपको फिर से वही प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद उस पर टैप करना है, आपको टैप करना है। टैप करने के बाद ये यहाँ पर आपको इफेक्ट पर क्लिक करना है। इफेक्ट लगाने के लिए यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है और पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट करोगे तो यहाँ पर इफेक्ट ऐड हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, ऑडियो ऐड करना है। ऑडियो ऐड करने के लिए यहाँ पर ऑडियो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फिलहाल ऐड नहीं करूँगा। ओके, और यहाँ पर आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर प्ले करता हूँ तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ओके, आप देख सकते हैं इस तरीके से आपकी रील्स बन जाएगी। ये वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।